हेलो एवरीवन, आज की जो एक्सरसाइज है वो पेट कम करने के लिए है और वो सारी एक्सरसाइज हम लोग बेड पर लेटकर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले तो आप बेड पर लेट जाएंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका मैट्रेस है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको बैक पेन हो जाएगा। तो थोड़े से हार्ड मैट्रेस के ऊपर आपने एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज के लिए इंटरलेस कर लेंगे आप अपने ऐसे फिंगर्स को, हाथों को आपने पीछे की तरफ खींच लेना है। अभी जब आप एक्सेल करेंगे पहले अपनी राइट नी को अपने चेस्ट के पास लाना है और फिर लेफ्ट नी को चेस्ट के पास लाना है। एक्सेल करना है, जब आप नी को चेस्ट के पास लेकर आएंगे तो आपने एक्सेल करना है। हर एक्सरसाइज के हम 20 काउंट्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ ये वर्कआउट कर सकते हैं। 1 2 एक्सेल 3 एक्सेल 4 एक्सेल 5 एक्सेल 6 एक्सेल 7 एक्सेल 8 एक्सेल 9 एक्सेल 10 10 मोर 9 8 इनहेल एक्सेल करते रहिए 7 आप माउथ के थ्रू भी एक्सेल कर सकते हैं। लास्ट 4 3 राइट एंड लेफ्ट। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपने क्या करना है, दोनों नीज को आप बेंड कर लेंगे, अपने हाथों को आपने जमीन पे रखना है, दोनों घुटनों को जोड़ लेना है और आप अपने घुटनों को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे। इससे जब आप घुटनों को चेस्ट के पास लाएंगे आपने एक्सेल करना है, पेट को अंदर खींचना है, क्योंकि जितना पेट अंदर जाएगा आपके नीज उतनी चेस्ट के पास में आएगी। जब इनहेल करेंगे आपने अपने टोज को जमीन पे टच करना है, थोड़ा सा आप जब टोज टच कर रहे हैं बहुत पास में आपके पैर नहीं होंगे, थोड़े से पैरों को दूर रखना है। एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल। ये एक्सरसाइज आपके लोअर बेली फैट के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप जो 20-30 काउंट्स करेंगे आप देखेंगे आपको यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ 20 काउंट्स करते हैं। 1 एक्सेल 2 एक्सेल 3 एक्सेल 4 एक्सेल 5 एक्सेल 6 7 8 9 10 10 more 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। थर्ड एक्सरसाइज के लिए दोनों घुटनों को जोड़ लेंगे, दोनों पंजों को जोड़ लेंगे, हाथों को अपने अपने चेस्ट के पास रखेंगे। अभी इनहेल करेंगे सेंटर में, जब आप एक्सेल करेंगे दोनों नीज को आपने ड्रॉप करना है राइट साइड, लेकिन आपने बिल्कुल जमीन पे नहीं टच करना है, थोड़ा सा जमीन से ऊपर। इनहेल करते हुए फिर आपने सेंटर में आना है, एक्सेल करते हुए आपने लेफ्ट साइड ड्रॉप करना है अपने नीज को, जितना नीचे जा सकते हैं लेकिन फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर। तो इनहेल एक्सेल, जिस साइड आपके नी है उससे अपोजिट साइड आपने देखना है, दूसरी तरफ देखना है। इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल inhale exhale 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 2 more counts exhale to the right exhale to the left।
एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले नीज को बेंड कर लेंगे। अभी आपने राइट जो आपका फुट है, पंजा है, उसको आपने लेफ्ट नी के ऊपर ऐसे रखना है। लेफ्ट हैंड आपका नेक के पीछे जाएगा। अभी आपने जब एक्सेल करना है, अपर बॉडी को आप ऊपर उठाएंगे और कोशिश करेंगे अपनी लेफ्ट एल्बो को अपने राइट नी से टच करने की। आपकी अगर टच नहीं होती है एल्बो नी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट कैसे करना है, ये दूसरी साइड से करना है। इस बार आप अपने पंजे को राइट नी के ऊपर रख लेंगे, लेफ्ट पाम आपका जमीन पे, राइट हैंड आपका नेक के पीछे। इस बार आपने उठना है, अपर बॉडी को उठाना है एक्सेल करते हुए, और कोशिश करनी है राइट एल्बो को लेफ्ट नी से टच करने की। अगर आपकी एल्बो टच नहीं होती है नी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आप ट्विस्ट कर सकते। जब आप ऊपर उठने हैं, आपने कोर से उठना है, अपने नेक को ऐसे झटका नहीं देना है आपने, ये सिर्फ हमने सपोर्ट दिया है अपनी नेक को अपने पाम से। इसमें नेक की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारा पूरा कोर वर्कआउट है। तो आपने यहाँ से उठना है, अपने कोर से उठना है। ये 20 काउंट्स, 1, 2, 3, 4, 5 6, exhale, 7, exhale, 8, exhale, 9, exhale, 10, 10 more, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and last one, relax. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने दोनों पैरों को 90 डिग्री में ऊपर उठा देना है। बैक को सपोर्ट करेंगे अपने पाम्स के साथ, दोनों पैरों से आपने साइकिलिंग करनी है। 1, 2, 3, 4, 5 सरल एक्सरसाइज है, बहुत मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10 Now anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 Next exercise के लिए फिर से आपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है 90 डिग्री में। हाथों को आप पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे। अब जब आपने एक्सेल करना है, अपने टोस को, पंजे को अपनी तरफ खींच के रखना है। जब आप एक्सेल करेंगे, अपने पाम्स को अपने टोस से टच करना है। 1, 2, exhale, 3, 4, 5 6, अगर आपके हाथ आपके टोज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जहां तक भी आपके हाथ जाते हैं, यहां तक जा रहे हैं, यहां तक टच करिए। टोज को टच कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करनी है। 10 मोर काउंट्स, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1 रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अपने हिप्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं पाम्स के साथ, अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है, अदरवाइज पाम्स को यहाँ भी रख सकते हैं। लेफ्ट नी को बेंड करेंगे। पहले हमें राइट लेग से एक्सरसाइज करनी है 90
90 डिग्री में उठाना है। अभी आप इससे एक बहुत बड़ा सर्कल बनाएंगे अपने राइट लेग से। वन, टो को आपने पॉइंटेड रखना है, ऊपर की तरफ पॉइंटेड रखेंगे। वन टू, पहले क्लॉकवाइज करना है आपने। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। अभी आपने एंटी क्लॉकवाइज 10 काउंट्स करने हैं, राइट लेग से करेंगे पहले हम। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। अभी राइट नी को बेंड करेंगे। अभी आपने लेफ्ट लेग से सेम एक्सरसाइज करनी है, 10 काउंट्स क्लॉकवाइज करना है, 10 काउंट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले लेफ्ट लेग को ऊपर उठा लेंगे 90 डिग्री में। अभी पहले क्लॉकवाइज करेंगे। वन टू थ्री, टो को पॉइंट रखना है, पॉइंटेड रखना है टो को। फोर फाइव सिक्स सेवन, ये एक्सरसाइज आपके हिप्स एंड थाई के फैट के लिए भी अच्छी है। फोर थ्री टू वन, अभी एंटी क्लॉकवाइज। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। अभी लेफ्ट लेग को भी रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नीज को बेंड करना है आपने। इनहेल एक्सेल, थोड़ा सा अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, अपने पाम्स को अपने नीज से टच कर। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 15 मोर काउंट्स। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। फिर रिलैक्स करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए एक एक नी को ऊपर उठाना है और आपने क्लैप करना है। कैसे करना है? 1 2 एक्सेल 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 exhale 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 exhale। knee को chest के पास लाइए। exhale 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 exhale। 4 3 2 and 1। अभी हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज के लिए क्या करना है आपने? दोनों नीज को चेस्ट के पास लाएंगे और क्लैप करना है, या फिर आप अपने फीट को टच कर सकते हैं। वन, या फिर क्लैप करना है। वन टू थ्री फोर, ये भी कर सकते हैं, फीट को भी टच कर सकते हैं, लाइक दिस। जैसे भी आपके लिए कंफर्टेबल है वैसे करेंगे। फीट को टच करना है, फीट को टच कर लीजिए, और या फिर आप क्लैप भी कर सकते हैं। 10 मोर काउंट्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and
प्रेजेंट वन। तो ये थी हमारी सारी एक्सरसाइज पेट को कम करने के लिए। आप देख सकते हैं मुझे कितनी स्वेटिंग हो रही है और मेरे पेट में भी दर्द होना शुरू हो गया है क्योंकि हम कंटिन्यूशन में कर रहे हैं। तो अगर आप रोज इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे 20-25 दिन में ही आपका पेट कम होने लगेगा। इसके साथ ही आप टाइम से खाना खाइए, घर का खाना खाइए और अपने खाने में प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, कार्ब्स कम लीजिए, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे।